आज के हमारे जो लेख विशेष अतिथि हैं, आज के हमारे लेखक पुष्पेश पंत जी, उनके इंट्रोडक्शन और जो सूत्रधार हैं आदरणीय श्री बी के एस रे साहब, इन दोनों के परिचय के लिए मैं अपने सहयोगी पृथा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेश पंत जी अध्यापक, लेखक, एंकर, स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता भोजन भट्ट हैं। देश के अनेक प्रतिष्ठित हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में आपके स्तंभ प्रकाशित होते हैं। अब तक 50 से भी अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय व्यंजनों पर प्रकाशित इंडिया दि कुक बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की वर्ष 2010 की बेस्ट बुक्स लिस्ट में शामिल की गई है। साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं वो है श्री बी के एस रे सर। 1 जून 1949 को जन्मे श्री विजय किशोर सुंदर रे मूलतः भुवनेश्वर ओडिशा से हैं। इतिहास में स्नातक के बाद पीजी की पढ़ाई के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर के रूप में अध्ययन किया। 1972 में आईएएस बने। श्री रे ने अपने प्रशासनिक करियर में कई चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न करते हुए छत्तीसगढ़ शासन में चीफ सेक्रेटरी रैंक में रिटायर हुए। श्री रे एक सफल लेखक हैं। अब तक 30 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर, वन थिंग आई लाइक टू आस्क फ्रॉम यू दैट डू यू सी एनी न्यू ट्रेंड इन फूड हैबिट्स? That's a great question because I see two very interesting trends coming. अगर आप मुझे ज़्यादा देर घर में हिंदी में चले जाओ तो कि मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरा मैंने बड़े भाई वो रूहिया मेरी अपने शोरावस्था की बात की तो मैंने कसम ये खाई थी कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश में तो हिंदी में नहीं बोलूँगा, अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा। मद्रास में हो सकता है पढ़ने का संकट है, था, आजकल तो वहाँ भी नहीं है। तो एनी वे, जो इन्होंने प्रश्न पूछा उस प्रश्न के दो उत्तर हैं कि हर पीढ़ी में एक खाने का नया चलन होता है। अब जैसे आप कहें तो अभी हम जो दिन में चर्चा कर रहे थे कि आज की पीढ़ी पिज्ज़ा, हैमबर्गर, ये सब चीज़ें खाती है, मगर अभी कुछ दिन पहले मैं उदाहरण दे रहा था कि नवरात्रि का एक पिज्ज़ा था जो डोमिनो का दिल्ली में बिक रहा था, वो कोटू के आटे का पिज्ज़ा था, उसमें सिंघाड़े की टिकिया थी और उसके ऊपर चीज़ की जगह पानी निचोड़ा हुआ दही था और सेंधे नमक से उसको वो किया हुआ था। तो मुझे लगता है जो ट्रेंड है वो पिज्जा हैमबर्गर का तो है, मगर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ मैकडोनल्ड कंपनी को आलू टिक्की बर्गर बनाना पड़ा है, जहाँ पिज्जा के ऊपर पनीर पिज्जा बनना शुरू हुआ है, कोई भी कंपनी जो कैंटकी फ्राइड चिकन है उसको भी चिकन छोड़कर शाकाहारी पनीर बारबेक्यू करना पड़ा है। तो भारत की आबादी जो संसार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसकी उसके बाजार को कोई ठुकरा नहीं सकता। तो अच्छा, भारतवर्ष में अनेक लोग हैं जो काफ़ी पाखंडी हैं कि जो घर में नहीं खाते मगर बाहर मांस खाते हैं। उसका मैं आपको गुस्सा बताऊँ, मैं सूरत में था तो सूरत में बड़े भैया ने मुझसे पूछा, आप ड्राइवर मुसलमान थे, उन्होंने पूछा आप कबाब खाते हैं? कहीं बड़े शौक से खाते हैं, कोई परहेज है? मैंने कहा बिल्कुल परहेज नहीं है। तो मुझे दुकान भी दे गए तो मैंने दुकान में दाढ़ी वाले बड़े भैया थे, वो मेरी दाढ़ी देख के उन्होंने मुझसे सलाम अलैकुम किया, मैंने वाले को सलाम किया, फिर मैंने उसका अगर आपको कबाब खाते यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे सारे हिंदू बनिए बाबा गुजराती यहाँ नमाज खा देंगे। मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा वो सब तिलक धारी गुजराती मुर्गी की टांग चला रहे, क्योंकि मुर्गे की टांग ज्यादा से ज्यादा कौड़े की टांग हो सकती है, मगर कबाब भैंस का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। तो बड़े मियाँ जो मुसलमान थे उनका ये कहना था कि साहब यहाँ तो लोग मांस चुके खाते हैं। तो दुर्भाग्य से जो ट्रेंड आपने कहा वो हमारे यहाँ ट्रेंड जो बदल रहा है वो ये है कि नई पीढ़ी का लड़का घर छोड़ के बाहर जा रहा है। जो लड़का पहले तो इंजीनियर डॉक्टर बाहर जाता था, आईएएस बाहर जाता था, अब कॉल सेंटर वाला लड़का बाहर जा रहा है, अब प्लम्बर बाहर जा रहा है। तो खाने का एक तो वो चलन बदल रहा है कि जो लोग पहले घर के बाहर नहीं खाते थे अब घर के बाहर खा सकते हैं, उनके पास पैसा है और वो घर की उस बिरादरी के बाहर है जो वर्जित है वो भी खा सकते हैं। अगर उनका दिल खड़ा है कि जैन का लगा वो भी खा सकता है, घर में किसी को कारोबार खबर भी नहीं होगी।
और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने शराब भी पी, गोश्त भी खाया, फिर अमरूद की पत्तियाँ, चाय की पत्तियाँ जमा के आप घर भी चले गए, तो ये सब भी हो सकता है। एक ट्रेंड तो ये है। दूसरा ट्रेंड वो फास्ट फूड वाला है, जिसमें हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बाबा रामदेव भी नूडल्स बनाने को आते हैं। वो कहते हैं कि मैं आटे का नूडल बना रहा हूँ, बनाते आटे का ही नूडल, बेचारे वो भी क्या करते होंगे, मगर उनको मैगी नूडल्स के मुकाबले अपना नूडल बनाना पड़ रहा है। तो मुझे उसमें थोड़ा परेशानी होती है। एक ट्रेंड वो है कि हमने कुछ वो खाने स्वीकार कर लिए हैं जो खाने हमारे थे नहीं। अब इससे बड़ी बहस होती है कि साहब ये जंक फूड है, वो जंक फूड है, तो घर में बड़ी डांट पड़ती थी। मैंने अपनी नातिनी से कहा कि तुम क्यों इतना कचरा खाना खाती हो, तो उसने बूढ़ा को नहीं खाना चाहिए, बच्चों को तो खाना चाहिए, वो ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। मगर उसका तर्क अपनी जगह अंश तक ठीक था। हमारा खाना अगर समोसा बना है तो अच्छे समोसे और हैमबर्गर में क्या अंतर है कि समोसे में बाहर आटे की परत है, वो थोड़ा ग्रीस में तला गया है, उसके भीतर आलू मटर है, उसको आप छोले के साथ खा रहे हैं। तो जो तथाकथित फ्रेंच फ्राइज के साथ आपका हैमबर्गर होता है, सिर्फ दिखाने को एक पत्ती सूखी बंदगोभी की या सलाद की होती है, टमाटर का खतरा होता है, जिसके नाम पे कहा जाता है कि आपको वेजिटेबल्स मिल गए, आपको विटामिन मिल गए और आपको मेयो मिला, सॉस मिला, और मुर्गी की पट्टी के नाम पे अगर कभी आप देखें, आप अगर लेबल पढ़ना सीखें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने विमान में आज एक उपमा खाई, इसका प्रपंच मैं आपको बता चुका हूँ, मगर मैंने जब लेबल पढ़ा तो उसको बड़ा मजा था। उसमें लिखा था बेस इन्ग्रीडियंट तो उसमें 22.6% पड़ी थी, तो बाकी क्या 6% टमाटर और सूखी सब्जियाँ पड़ी थी, तो 22 और 6 28, उसमें आधा आधा भी जोड़ दीजिए 29%, बाकी 17% उसमें क्या था। मैं ये जानने को आता हूँ उसको कहीं खा नहीं लेकिन उसके पास था। तो जो दूसरा ट्रेंड मुझे लग रहा है वो ये है कि अब जो नई पीढ़ी है वो उसमें से कुछ लोग सोचने पे दिमाग लगाने लगे हैं कि इस खाने में मिलावट कितनी है, इसमें ट्रांसफैट कितना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है। देखिए मैं बड़ा आँख बंद करके फ्रूट जूस पीता था, जो भी आता था मेरे हाथ में। एक दिन मैंने जब ये आदत सुधरी और वो लेबल पढ़ा तो उस लेबल में लिखा था पर 100 ग्राम्स 11.5 ग्राम्स ऑफ शुगर। वो डब्बा 200 ml का था, अर्थात एक 200 ml की फ्रूटी में आप 22 ग्राम चीनी पेट में पचा रहे हैं, जो 6 बड़ी छोटी चम्मच चीनी की है, जो आपके दिन भर के कोटे से डायबिटीज जाए बाहर चूल्हे में, कितनी ज्यादा है। तो उसके लिए तो ये ट्रेंड ये मेरे ख्याल में हो रहा है कि लोग खाने के सेहतमंद प्रभावों के बारे में सजग हो रहे हैं, लेबल पढ़ने लगे हैं, अपने खाने में उनको थोड़ा अभिमान है कि सब हमारा छत्तीसगढ़ी खाना है, हमारा मारवाड़ी खाना है। आपको पता है कि हमारी तरफ भी ये चटनियाँ इतने प्रकार के तीजे बनते हैं दक्कन में, आपको पता है कि हमारे यहाँ इतने प्रकार के रायते बनते हैं, पचड़ियाँ बनती हैं। आप यहाँ अभाव था, गरीब आदमी अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश तो करता है। ये भी दिखता है कि जो रोड साइड बहुत पॉपुलर जो फूड ठेले होते हैं तो उसमें पिछले 4-5 सालों से मेरा ख्याल है कि ऐसे सभी कस्बे जिनकी आबादी 50,000 से 1,00,000 है, लिट्टी चोखा और मोमोज मेरा ख्याल है पूरे देश में एक ही हो रहा है। मैगी की परत है, उसके भीतर या वेजिटेबल है या मांस है। मांस की क्वांटिटी कम है मगर उतनी है जितने आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए, उससे यथेष्ट है। 35-40 रुपये में 7 या 8 मोमो चटनी के साथ मिलते हैं, जो पेट भरने के लिए काफ़ी। दूसरा ये उसको बनाने वाले के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़ा आसान है। इडली स्टीमर चाहिए, एक रेडी चाहिए, घर में आपने मैदे की लोहिया बेल ली और वो कहीं पर पहुंचा कहीं ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले और कुछ 2-4 लोग पकड़ाने की जरूरत है, आपका कारोबार चलने लगता है। तो स्टीम करके आपको आदमी ग्राहक ताजा खा रहा है। दूसरा उसके साथ ये जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें मोमो या लिट्टी चोखा हो, लिट्टी चोखा थोड़ा कठिन है मगर मोमो तो हाथ में आप पकड़े परत वाली प्लेट पर लीजिए और खा दी चली जाइए, बांट भी सकते हैं मेहमान के। और वही लिट्टी चोखा में है कि आलू है, लिट्टी है, और आपको ये लग रहा कि भाई इसका बुराई तो कुछ होती है, जो पंजाबी ढाबे के ओरिजिनल खाने में था कि अगर आप ढाबे में बैठ कर रोटी दाल खा रहे हैं, ढाबे में बैठ के आप रोटी और तंदूर का टिक्का गोटा टिक्का खा रहे हैं, तो उसमें गलत कुछ हो ही नहीं सकता था कि जब तक आपकी आँख के सामने निकल रहा है और आपके सामने खाना पक रहा है
तो दैट इज वेरी फॉर्मेटिव। तो ये इन दोनों में, और ये इन दोनों में तंदूर से अधिक अब वो है कि तंदूर आपको लगाना है, जलाना है, तंदूर को कंट्रोल करना कला है, वरना रोटी जल जाएगी या टिक्का कच्चा रह जाएगा। तंदूर देखने में बड़ा आसान लगता है, और जो तंदूर का काम करता है उससे पूछें तो वो कठिन काम है। मोमो और मिट्टी चौके में धीमी आँच पकड़ा है और मिट्टी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहा। स्टोरी मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी, जिसमें अकबर जब गुजरात जीते जाएंगे तो खिचड़ी बनाए जिसमें मांस सब चीज था, और जैसे सर इस तरह सिखाया गया कि आपने गुजरात को जीत लिया, तो जो हलीम बनता है वो वही चीज है या कुछ और है? थोड़ा देखिए, हलीम बहुत फर्क चीज है और हलीम का ओरिजिन बिल्कुल फर्क है। अगर खिचड़ी का आप इतिहास देखें तो वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, खिचड़ी का उल्लेख मिलता है वैदिक काल से, जिसका नाम था खिचड़िका, और उसमें दाल और चावल होना जरूरी है, बाकी चीजें जरूरी नहीं है। मगर खिचड़ी का जो प्रकार राजस्थान और गुजरात में मिलता है वो झारखंड में नहीं है। जो झारखंड की खिचड़ी है वो बंगाल की भुनी खिचड़ी नहीं है, जो बंगाल की भुनी खिचड़ी है वो बीमार आदमी को खिलाई जाने वाली पंजाबी खिचड़ी नहीं है। मगर जो माघ मेले में उड़द की दाल के साथ एक रिचुअल खिचड़ी बनती है उत्तर प्रदेश की, वो खिचड़ी बिल्कुल अलग है। तो खिचड़ी के जितने रूप भारतवर्ष में हैं वो मेरे ख्याल में 50-52 ऐसी खिचड़ियाँ हैं जिनमें बिना बाल की खाल निकाले आप कह सकते हैं कि एक खिचड़ी दूसरी खिचड़ी से फर्क है। खिचड़ी खिचड़ी है, तहरी नहीं है, खिचड़ी पुलाव नहीं है, खिचड़ी बिरयानी नहीं है, खिचड़ी खिचड़ी ही है। मगर खिचड़ी से मिलती जुलती जो चीज़ आप कह रहे हैं वो हलीम नहीं है, वो खिचड़ा है, जिसको शोला खिचड़ी भी कहते हैं दिल्ली में। मगर हलीम जो है उसकी उसकी जो शक्ल और रंगत है, कंसिस्टेंसी, वो लगभग दिल्ली की होती है उठते उठते उठते। तो हलीम आया है अरब से, और ये तवानी वाला खाना है जो रोज़ों के जमाने में बनता था, एक बार खाना है सहेल के दिन भर में आराम से रहेंगे, वो हरीसा अलीसा की तरफ का खाना है, वो खिचड़ी नहीं। मगर जो किस्से कहानियाँ हैं वो मेरी थियरी नहीं है, वो थोड़ा ऐतिहासिक है। यदि आप याद करें तो जो एक झंडा था हैदराबाद रियासत का, उस पर रोटी बनी है कुलचा, वो कुल सुल्तान के, तो उनको किसी ने कहा कि आप जाइए सूफी दरगाह में निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ और खा पूछा पाएंगे। सूफी ने उनको कुलचा दिया रुखा, वो खाने लगे, 7 कौर उन्होंने खाए मगर 8वां कौर उनकी गल से निकला नहीं, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। वो सूफी हंसे और कहा कि तेरी 7 कुड़िया राज करेंगी और 8वीं नहीं करेगी, तो तूने 7 निवाले ही खाए थे। तो उन्होंने अपने झंडे का वो कुलचा बनाया हुआ था, कुलचा हैदराबाद रियासत में हमेशा रहा, मगर जो आखिरी निज़ाम वहाँ के थे उनके साथ वो सरदार पटेल ने रियासत का सफाया कर दिया। तो खाने के साथ इतने किस्से खाने जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हमको लगता है सिर्फ किस्से हैं, मगर वो वास्तव में उनके साथ कोई ऐतिहासिक चीज़ जुड़ी होती है, उसको आप ट्रेस कर सकें। ये नहीं कि हर जगह हम ट्रेस कर पाते हैं, मगर है। जैसे आप केरल में जाएं तो आपको अप्पम खाने को मिलता है, जो अप्पम जिस बर्तन में पका जीवी चाहे जो अप्पम है, और इसके भी कई चीज़ें हैं जो आप फिर जोड़ते चले जा सकते हो। और मैं काफ़ी जगह सरकार के इवेंट करता हूँ और इवन की जगह जगह मोटिवेशनल के लिए, तो मेरे पास भी एक क्लासेस होती हैं, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि फूड कहाँ का है, जिस तरह से समोसे की बात करें, समोसा भी यहाँ का नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ओवरऑल हमारे हिंदुस्तान का है क्या? आपका प्रश्न मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार में है मेरे लिए, इस कारण है कि मेरी किताब मार्च के महीने में आ रही है, उसका शीर्षक अंग्रेजी में है फूड एंड इन द मेकिंग ऑफ द नेशन, कि आपका जो प्रश्न है उस किताब में उसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है कि हिंदुस्तान का है क्या। इस प्रश्न का सीधा उत्तर विजय भाई ये है कि एक दूसरा सवाल तुमने आपसे पूछी कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान का क्या है तो बाद में आएगा, पहले हम ये तय करें कि हिंदुस्तान क्या है। अगर क्या वो विष्णु पुराण है जो कहता है उत्तरम यद समुद्र से हिमादृष्ट है व दक्षिणम वर्ष तत् भारत नम भारती तत्व संतति, बिल्कुल ठीक है, हिमालय के उत्तर से समुद्र तक भारत है, मगर क्या उस समुद्र का अर्थ हिंद महासागर है, खंभात की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल सागर है, बेओबेगवाल है, क्योंकि अगर मैं अपनी जगह से चलता हूँ उत्तर भारत से तो जब मैं समुद्र के दर्शन करता हूँ
तो वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही समुद्र है। समुद्र पर एक तो हो गया, हिमालय से समुद्र तक में पहुंच गए। आप भारत के स्थल पुराणों को लीजिए, गंगा यमुना शैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संविदे भूय, इसमें तुंगभद्रा नहीं है, इसमें ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसमें पेरियार नहीं है। तो क्या भारत की वो नदियां जिनका उल्लेख इसमें नहीं वो नहीं है? अब भारत का राष्ट्रगान जो जो जॉर्ज पर्चर की लिखा गया था कि पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा वेदी हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जलधि तिरंगा, जो प्रदेश इसमें नहीं था वो भारत का हिस्सा नहीं है, या उनको उसमें होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब हम अपने मन को संभालने को कहते हैं कि द्रविड़ का मतलब तमिल भी है और मैसूर भी है और कर्नाटक भी है, सब कुछ है। आपके प्रश्न का सही उत्तर, ईमानदारी का उत्तर ये है कि भारत का सब कुछ है और भारत का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं इसलिए है कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासी हैं, जो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी हैं, जो अंडमान निकोबार के मूल निवासी आदिवासी हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी आदिवासी भील गौंड हुआ संथाल मुरिया हुआ आदि हैं, ये ही भारत के आदिवासी हैं। आए आए थे या नहीं आए थे बाहर से अलग बात है। हमारे जो पंजाब गुजरात कश्मीर के लोग हैं उनके मूल क्या हैं, ये हम क्या हैं? तो अगर हम कहें हम क्या हैं, वो शंकर का वाक्य है नेति नेति, ब्रह्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान चीन भी नहीं है, हिंदुस्तान थाईलैंड भी नहीं है, हिंदुस्तान म्यांमार भी नहीं है। तो जो बचता है वो हिंदुस्तान है, अर्थात दर्रे खैबर से लेके अराकान के जंगलों तक, हिमालय की तलहटी से लेकर श्रीलंका तक, ये अविभाजित भारत भारत है। अब इसका अपना क्या है? इसका अपना है गन्ना, जो दुनिया में हमसे पहले शक्कर कोई नहीं बनाता था। इसका अपना है चावल, जिसका मूल जन्म स्थान भारत था। हमारे यहाँ 5-6 प्रकार के बाजरा मड़ुआ रागी हैं जो हमारे अपने हैं, शाख हैं जो हमारे अपने हैं, कुछ मसाले हैं जो हमारे अपने हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। यही अविभाजित मध्य प्रदेश में भीम बेटका में जो गुफाएं हैं जहाँ 25,000 पुराने चित्र हैं, उनमें लोगों को शिकार करते दिखाया गया है, उनमें लोगों को शहद मधुमक्खियों को छत्ती से निकालते दिखाया गया है। तो हंटिंग गैदरिंग से लेकर आज तक सिंधु घाटी की सभ्यता से महाभारत पुराणों में वर्णित खाने से आपको उन चीज़ों की सूची मिलती है जो हमारा अपना है, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें विजय भाई ऐसी हैं जो हमारी अपनी नहीं है, जिसको हम अपना समझते हैं। पान का पत्ता हमारा नहीं है, तांबूल हमारा सुपारी नहीं है, आलू टमाटर मिर्ची हमारी अपनी नहीं है, जिमीकंद हमारा अपना नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी अपनी नहीं है, मगर नारियल भी 10,000 वर्ष पहले बाहर से आया है। अगर आप इतिहास को और अच्छी तरह पढ़ें तो पहले गोंडवाना लैंड एक ब्रह्मांड था जो फूटा, आदमी अफ्रीका में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, वहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो दुर्भाग्य से अगर आप ये हट पा लें कि सब कुछ हमारे पास था तो हमारा अपना कब था, मगर जो था वो बहुत है। बासमती चावल हमारा अपना है, शहद हमारा अपना है, दूध दही घी पनीर हमारा अपना है, हरा शहद हमारा अपना है, तो क्यों हम इतना दुखी हैं? इंडिया में चाइनीज अंडे कुछ सप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी जाँच करा जाए, अगर ऐसा होगा क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों क्या नहीं बोलो? नहीं देखिए, अब आप मुझे देशद्रोही न समझें, मगर चीन से अंडे यहाँ तक आते थे सलामत नहीं रह सकते, क्योंकि अंडे छोटी मात्रा में तो जाते नहीं। अब मेरा जैसा आदमी है, 3 अंडे ऑमलेट खाता है, तो एक अंडा आधा अंडा खाने वाला तो कोई होता नहीं, और अंडा बड़ा फ्रेजाइल होता है। तो अंडा चीन से भारत में आए ये बात मेरे गले के नीचे उतरती नहीं है, क्योंकि जैसा भाई साहब और मैं दोनों इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े लोग रहे हैं, चीन से जो व्यापार हमारा है वो अंडों का व्यापार नहीं है। वो व्यापार $70 अरब प्रतिवर्ष का है, मगर उसका पॉपुलेशन अगर आप देखें तो उसमें खाद्य पदार्थ नहीं है, ये रिवर्स है। भारत से खाद्य पदार्थ वहाँ जाता है, चीन से खाद्य पदार्थ यहाँ नहीं आता। चीन की अर्थव्यवस्था का अगर आपके बारे में जानकारी हो तो वहाँ मुर्गियाँ नहीं पाली जाती बड़े पैमाने पर, वहाँ बतख पाली जाती हैं और वो दूसरी तरह का मांस खाते हैं, सुअर खाते हैं और वो समुद्री मांस खाते हैं, मगर वो अंडे उस मात्रा में नहीं खाते हैं। वहाँ से हमारे यहाँ गणेश की मूर्तियाँ आ रही हैं, वहाँ से हमारे यहाँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ आ रही हैं, वहाँ से हमारे यहाँ छोटे बल्बों की LED बल्बों की लड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ से कॉपर वायर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मेरा वास्तव में ये मानना है कि चीन ने अपने व्यापार से हमारे घर में छिपंजा जकड़ा है,
मनमोहन सिंह की मूर्खता के कारण ये हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि चीन के साथ हमारा व्यापार इतना बड़ा है कि आपको सीमा विवाद भूल जाना चाहिए। आपकी बात से उस हद तक मैं सहमत हूँ, मगर अंडे वाली बात जो है वो एक अफवाह है, क्योंकि देखिए चीन से अंडे कहाँ से आएंगे, किस मार्ग से आएंगे और कितने अंडे आएंगे। अगर आप अंडा खाते हैं तो खाते कि नहीं खाते, तो अंडे लाके दे जाते हैं लोगों को, देखा है वो कागज की ट्रे होती है उसमें संभाल के लाते हैं, और 30 अंडे एक ट्रे में आते हैं उसमें 4 फूटे निकलते हैं, जिसके पैसे हम उसको नहीं देते, आप भी नहीं देते होंगे। तो वो अंडे, वो जो नाजुक अंडा है वो चीन से चल के 5000 किलोमीटर यहाँ आ रहा, किस रास्ते आएगा भाई साहब? हाँ, अब ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, केला फल और अंडा इसको आर्टिफिशियल बनाना बड़ा मुश्किल है कि बिना मुर्गे के मुर्गी अंडा नहीं देगी। वो तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थोड़ी हो रहा है कि टेस्ट ट्यूब बनाया जा रहा है। तो ये आप थोड़ा इसको गंभीरता से सोचिए। नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ कि चाइनीज जो चाइना से अंडे सप्लाई वो आर्टिफिशियल है, उनकी जांच कराई। नहीं, आर्टिफिशियल क्या है? देखिए ऐसा होता है कि मुर्गी को मुर्गा दिखा दो, वो जो अंडा देगी वो 7वें अंडा होगा, उसके भीतर चूजा नहीं होता, उसको नॉन वेजिटेरियन एग कहते हैं, मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं है, कुदरती तो वो भी है, कुदरती तो वो भी है, जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, तो वो आखिर वो फसल भी तो कुदरती है, उसमें छेड़छाड़ आपने की है। तो ये आर्टिफिशियल अंडा तो ये होता है कि लाइट बल्ब है, ये सूरज की रोशनी नहीं है, ये आर्टिफिशियल लाइट है। मगर आप अंडे वाला नोटिफिकेशन अगर मुझे दिखा दें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। तो मानना है फूड फॉर हेल्थी ही है, उसके अलावा फूड कुछ है ही नहीं। तो हमारे उस्ताद एक हकीम साहब हुआ करते थे सदर हकीम लखनऊ में, उनका कहना था कि दवा बिल गिज़ा, गिज़ा बिल दवा, खाना दवा की तरह खाओ ताकि रोग ना हो, और दवा को खाने से ही ग्रहण करो, बाहर की दवा ना ग्रहण करो। तो अभी तो मेरे मुँह से उन अनाचार निकला था कि मैं खाना खा लूंगा, ओबीमेट 1000 साल खा लूंगा, ये नहीं कहना चाहिए। मुझे कहना ही चाहिए था कि मैं सतिया गुड़मार खाता, जो हमारे जो दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी कोना गांव में निकालते हैं, पैदा करते हैं, और उसके बाद में मिठास नहीं खाऊंगा। क्योंकि जो हमारे ख्याल में प्रॉब्लम है वो ये कि और हमारी छोटी संस्था है, इसका नाम है एकेडमी फॉर नेचुरल न्यूट्रिशन, वो अंग्रेजी में नाम इसलिए रखा है कि हिंदी में उसका एब्रिविएशन अन्न बनता है, जो ब्रह्म और रस है। तो हम लोग ये करते हैं कि यदि आपकी उसमें रुचि है तो हमारी न्यूज़लेटर होती है और आप उसकी वार्षिक सदस्य बन सकती हैं। तो वो मेरे ख्याल में कुछ मुझे ठीक याद नहीं है ना, 1500 रुपये का वार्षिक चलता है, तो उसमें आपको 500-600 रुपये कीमत के वही पदार्थ भेजते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो हल्दी है वो ऑर्गेनिक है, जो अदरक है वो ऑर्गेनिक है, और वो हल्दी और अदरक सिर्फ इसलिए कि उसके अलावा हम उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम उगाते हैं पहाड़ में वहाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, तो बंदर वरना उजाड़ कर जाता है, और जंगली सुअर है वो हल्दी नहीं खाते और अदरक नहीं खाते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन और काशी मेमोरियल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले कलम की ये 11वीं कड़ी थी। हमें बहुत खुशी है कि आज पुष्पेश पंत जैसी शख्सियत को हमने अपने आसपास देखा, उनसे इतनी सारी बातें की, और पूरा हम खाने और खजाने की ओर, खाना खजाना होता है ये सच में इसे देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पर पहुंचे। बीके श्री साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक मंडली की ओर से, श्री सीमेंट्स द्वारा आयोजित इस कलम की 11वीं कड़ी में आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है, उन सबके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सहयोगी यानी कि प्रभा खेतान फाउंडेशन, काशी मेमोरियल सोसाइटी, होटल हयात और विशेष रूप से दैनिक भास्कर, जिनका हमें सहयोग मिलता है, आप सभी के प्रति आभार। अभी ये सिर्फ बातचीत का सत्र खत्म हुआ है, लेकिन हम आपस में अभी बातचीत करेंगे टी कॉफी स्नैक्स के साथ, हम और किताब में हस्ताक्षर के बाद हम यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।